बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको लेके आए फ़िश फार्म पे। यहाँ पे फ़िश फार्मिंग करते हैं और यहाँ पे ये पंप लगा हुआ है जिसकी मदद से पानी लगाते हैं तालाब में, और ये पाइप जा रहा है, इस यहाँ से पानी आ रहा है और पंप चल रहा है। अभी सुबह का टाइम है और अभी पानी कम ही आ रहा है। जैसे जैसे धूप ज़्यादा होगी पानी भी ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि इन्होंने सोलर वाला सिस्टम लगाया हुआ है। ये तालाब है माशाल्लाह, एक एकड़ में फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं ये लोग, और बहुत ही अच्छा निज़ाम है ये जी। सोलर वाली प्लेटें लगाई हुई हैं, 6 प्लेटें हैं, 6 प्लेटों से वो पंप चलता है। और ये नीचे जिन्होंने स्टैंड लगाया हुआ है, जिस तरफ भी सूरज जाता है उस तरफ इसका मुंह कर देते हैं। और ये सामने लगा हुआ है पानी वाला सिस्टम, जहाँ जब अगर पानी ज़्यादा इजाफी हो जाता है और यहाँ से फिर पानी निकालते हैं, वो सामने पाइप लगा हुआ है ये यहाँ पे, और फिर यहाँ से होता हुआ ये फसलों में चला जाता है। और सामने इन्होंने फसलें भी लगाई हुई हैं। और आइए हम इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। ये वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई जी, की हाल है? हाँ जी ठीक है भाई। अपना थोड़ा तारुफ दस्यो। साजिद भाई नाम है साडा, 387 पिंड है, तो है असी मच्छी फार्म है साडा भाई। हाँ जी, तुसी मच्छी फार्म बनाया एक एकड़ च, माशाल्लाह जे तुसी दो तीन साल तो काम शुरू किया, तो कि तुसी मज़ा काम च आंदा आया, गुजारा ही आया बेहतरीन है? थोड़ा जहा अपना तजर्बे के हिसाब न दसो। हाँ जी ठीक है, बेहतरीन है जी, अल्लाह का शुक्र है, बचत भी हैगी है, ठीक है काम बेहतरीन है। तो तुसी जो तो बच्चा छोटा लेके आए थे, तो बच्चा किन्ने का थोनों मिलया सी? ये सानू 3 रुपए इंच के हिसाब न मिल जाता, 20 रुपए का, 25 रुपए तक, जिन्ना तुसी लेना 3 रुपए इंच के हिसाब न सानू जड़ा ना ये मिलता। अच्छा, 3 रुपए इंच, यानी कि जिमें अगर तुसी थोड़ा वड्डा लेना 2 इंच या 3 इंच या 5 इंच, वो इंच के हिसाब न थोनों पैसे देने पैंदे या बच्चे के हिसाब न देने पैंदे? नहीं, वो सानू इंच के हिसाब न पैसे देने पैंदे, अगर 5 इंच का 6 इंच का लेना वो 3 रुपए के हिसाब न सानू पैसे देने पैने। सही हो गया। तो सानू तकरीबन किन्ने उम्र किन्नी है जी हुण तुसी मछली पाई हुई है? ये तकरीबन 9 महीने की हो गई है, तो 11 महीने 12 महीने तक जी है ना असं कढ देने एक साल के बीच बीच। अच्छा जी, तो तकरीबन जदों तैयार हो जानी है फुल 12 महीने की, एक साल के बीच मुकम्मल तैयार हो जाती है, तो उस तो बाद इहदा वजन किन्ना हुंदा, अंदाजन की हिसाब किताब हुंदा? ये जो साल में तैयार हो जानी भाई जी, इहदा वजन जिहड़ा 1.5-2 किलो जी हो जानी है, 1.5-2 किलो की एवरेज हो जानी है। तो इनू यानी कि तुसी पालना कोई मुश्किल ज़्यादा तो नहीं है, कि हर अगर कोई इंसान काम करना चाहता है इनू पालने वास्ते कोई बंदे रखने की जरूरत है या कोई ज़्यादा मेहनत की हिसाब किताब? नहीं, यदि मेहनत कोई नहीं एड्डी ज़्यादा भाई, यानी इनू खुराक पा दो, रोटी सुखियाँ जिहड़ी चीज़ कोई भी पानी है वो तुहानू बेहतर है, चोकर पाना कोई भी चीज़ इनू तुसी पा सकते हैं, बंदे की भी कोई जरूरत नहीं। यानी कि तुसी एक एकड़ बनाया, सोलर सिस्टम भी तुसी पिछे लगाया है, तो सोलर सिस्टम का यानी कि एक एकड़ वास्ते इन्ना क लगता कि अगर ज़्यादा जगह होवे तो इसी सोलर नाल हो जाएगा? ये नाल नहीं, ज़्यादा जगह नहीं, 1.5 किला जगह होवे ना उहदे नाल सोलर जिहड़ा ना पानी पूरा कर सकता है, इस तो ज़्यादा जिहड़ा वो नहीं पूरा कर सकता, उहदे वास्ते मज़ीद जिहड़ा ना सिस्टम ज़्यादा लाना पैना। सही हो गया। तो तुसी आ जिहड़ा इहदे च नस्लां किन्नियां पाईआं हुईआं? इहदे च 5 नस्लां पाईआं जी। केड़ी है? ये गुलफाम आ, राहू आ, थैला पाया है, मराखी है, सिल्वर है जी। सही हो गया। तो हर नस्ल का अलग रेट हों, रेट एक ही आ? नहीं नहीं, हर नस्ल का अलग ही रेट हों जी। तो जो बच्चा लेंदे हैं बच्चे का भी रेट अलग आ के बच्चे का भी रेट एक ही जिवें का हों? नहीं, बच्चे का एक ही रेट हों जी, बच्चा इंच के हिसाब न ही मिलना, जो मर्जी ला लो रेट एक ही हों जी। तो अगर यानी कि जड़ी रेट जिसका ज़्यादा अगर बंदा उही पा ले तो वो ज़्यादा फायदे च नहीं है, कि रेट बच्चा तो उन्ने ही मिलना, जो उन्हें वड्डा होना तो रेट वह ज़्यादा होगा, तो बंदे नू आसानी इस चीज़ के उही पा ले ज़्यादा महंगी जड़ी विकेगी, तो बीमारी वगैरह का की सीन, की बीमारी ज़्यादा आँदी है, की मसला उन्हें? नहीं, बीमारी कोई नहीं पाई जाती इनू ज़्यादा, लेकिन ये है कि मिक्स जड़ी होंगी है ना वो सही है, एक नस्ल की तुसी पा लेनी है वो ज़्यादा, उन्हों मेहनत ज़्यादा करनी पैंदी है, 2-3 किस्मां दी होंदी है वो जड़ी आसानी नाल पल जाती है। अच्छा, तो तुसी थोड़ा सानू ये दसो कि जदों तैयार हो जानी है एक एकड़, तुसी
पाया है कि सेल किन्ने रुपए किलो, यानी कि किलो के हिसाब न होनी कि दाने के हिसाब न होनी किलो? ये भाई इतने असं अगर वेचते हैं साड़ी किलो के हिसाब न भी हो जानी, अगर मंडी वेचते हैं फिर 10,000 9,000 10,000 12,000 तक जड़ा ना मान वे विक जाती है साड़ी। सही है। तो थानू ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੀਡ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਕੀ ਫੀਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਫੀਡ ਦਾ? ਇਹਦੇ 'ਤੇ 60,000 50,000 60,000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਏਕੜ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੀਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਲ ਦਾ। ਸਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ 'ਚੋਂ 2.5 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ 2.5-3 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੱਲੇ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੱਛਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੈ ਜਾਏਗੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ 1,200,000 1,100-1,200 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਭਾਜੀ ਇੰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ, ਪਾਣੀ ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹਦਾ ਲਾਇਆ ਭਾਜੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਲਈਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੇਲੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾ ਲਈਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਸਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ? ਸਾਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ? ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਆ ਕੰਮ, ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕੰਮ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਡੀ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਜਰਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਗੈਰ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਬਗੈਰ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਫਰੈਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਣ 2 ਮਾਣ 4 ਮਾਣ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਾਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੱਛਲੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆ, ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਜ਼ਾਮ।